धम्मपद गाथा कथा 117 ये श्रेयसक जो थेर है उनकी गाथा है जैतवन की। श्रेयसक जो थेर थे भिक्कु थे, उन्होंने कुछ पाप कर्म किया। विनय के विरुद्ध जो काम करते हैं भिक्कू, उसको पाप कर्म बोलते हैं, वो पुण्य कर्म में नहीं आता। विनय के नियम भगवान ने बनाए हुए हैं। इसकी जानकारी भगवान बुद्ध को हुई। भगवान बुद्ध ने सारे भिक्कुओं को इकट्ठा किया और सारे भिक्कुओं को इकट्ठा करके उन्होंने तब ये गाथा कही भिक्कुओं के लिए। पापं चे पुरिसो कैरा ने नंग कैरा पुनः पुनंग ने तमही छंदंग कई रात दुखो पापस्य उच्चयो। पापं चे पुरिसो कैरा, यानी यदि कोई पुरुष पाप करे, यानी कोई पुरुष या कोई भिक्कु अगर पाप को करे, ने नंग कैरा पुनः पुनंग, ने नंग माना वो उसको ना करे दोबारा दोबारा, यानी फिर उसको दोबारा ना करे। ने तम ही छंदंग कई रात, और न ही उसमें छंद रखे, छंद को रखे, छंद का मतलब है स्वच्छंद को, यानी कि स्वेच्छा को, यानी कि मन को उसमें ना रखे। यानी कि जो व्यक्ति पाप करे, एक तो उसको बार बार ना करे, फिर उसमें अपना मन भी ना होवे, ना उसमें मन उसमें करे, ना मन उसमें लगाए। दुखो पापस से उच्चयो, समुच्चयो समझते हैं आप, समुच्चय जो करते हैं संग्रह करना, इकट्ठे करना, ये उच्चयो से, उच्चयो से शब्द बना हुआ है। उच्चयो का मतलब होता है संग्रह करना, कलेक्शन करना, एक्युमुलेट करना। यानी कि अगर पाप इकट्ठा करेंगे, दुखो पापस से उच्चयो, यानी दुख होता है जो पाप को संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, उसको दुख कहते हैं। इसमें जो शब्द है कि पाप को जो इकट्ठा करता है वो दुख होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब व्यक्ति या बच्चा जब छोटे छोटे पाप करता है तो उसको छोटा छोटा दुख होता है, मगर अगर ये छोटा छोटे पाप इकट्ठे हो जाए तो बड़े दुख में बदल जाते हैं। आपने बहुत सारी भारत की पिक्चरें देखी होंगी जिसमें एक ही परिवार में दो बच्चे हैं, एक बच्चा पुलिस का रोल करता है और एक बच्चा डाकू का रोल करता है छुपने का। वो छोटा सा ऐसे ही खेल करते हैं, नाटक करते हैं, और जब बड़े होते हैं तो उनको सच में ही कलाकार दिखाते हैं कि जो पुलिस वाला था वो पुलिस बन गया और जो डाकू वाला था वो स्मगलर बन गया, चोर बन गया। ऐसी पिक्चरें कई हैं जिनमें दिखाते हैं, यानी कि तब वो खेल खेल में छोटा छोटा जो पाप है वो इकट्ठा करते हैं और बाद में वो पाप इतना बड़ा हो जाता है कि वो दुख में बदल जाता है। आप जितना भी जीवन में काम करते हैं, अगर छोटा 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 जो पाप है उसको इकट्ठा करते हैं तो वो दुख में बदल जाता है। बेसिकली पाप क्या है पहले पाप समझ लें, क्योंकि अगर आप पाप समझ लेंगे तो फिर आपको दुख समझ में आ जाएगा। पाप वो होता है जो काम मन से या वचन से या कर्म से ऐसा किया जाए जिससे मैं, मेरा, तुम और तुम्हारा, या जो मोहल्ला, आस पड़ोस, कस्बा, नगर, देश, परदेश और विदेश, यानी कहीं भी अगर किसी को भी कोई नुकसान होता है काय की, यानी कर्म से, वचन से या शरीर से कोई नुकसान होता है, या तो हम किसी को गाली बकें या अपशब्द कहें या किसी को मारें पीटें या बम छोड़ें या गोला छोड़ें या किसी को हम मन को दुखाएं, ऐसी बात कहें कि उसका मन दुखे, तो वो पाप होता है, वो कर्म पाप का है। तो पाप कर्म अगर हम ऐसा करते हैं तो पाप कर्म करते करते वो सारा पाप कर्म दुख में बदल जाता है। अब पाप क्यों करता है आदमी, क्योंकि दुशील होता है। दुशील कैसे होता है, दुशील होता है जो सील पर नहीं चलता। सील क्या होता है, सील वो होता है जिसमें हमें अच्छा काम मन से, वचन से, कर्म से, वो काम करने के लिए जो सबके लिए अच्छा होता है वो करने के लिए निर्देशन मिलते हैं हमें अपने मन के अनुसार, नियम के अनुसार, वो सील होते हैं। तो इन सीलों को जो तोड़ता है वो पाप कर्म करता है, और जो इन अच्छे निर्देशों को तोड़ता है तो उसका दुख इकट्ठा हो जाता है, यानी पाप इकट्ठा होकर दुख में बदल जाता है। कोई व्यक्ति अगर अच्छे काम करेगा तो उसका सुख इकट्ठा हो जाएगा, कोई व्यक्ति खराब काम करेगा तो उसका दुख इकट्ठा हो जाएगा। ये भगवान बुद्ध ने बहुत स्पष्ट देखा और बताया। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या
इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.